I tried recording a proper intro for this video, but I failed miserably, as usual. Here's a glimpse, enjoy. Hey guys and welcome to my channel. तो भाई वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज जो साइड मिरर है वो इंस्टॉल करेंगे और जो मतलब मेन जो चीज़ है जो मैं आपको वीडियो बताना चाहता हूँ मिरर कोई भी इंस्टॉल कर लेगा बट जो उसके पीछे का प्रोसेस है या जो भी बारीकियाँ वो ज़रूर सुनना यार। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो ये दो वाइट स्पूल्स दिख रहे हैं स्पूल्स टाइप में दिख रहे हैं आपको, हम इनको चेक करेंगे अंदर से। जस्ट मूवमेंट करके देखना है मिरर का। तो यहाँ पे ये अंदर बाहर हो रहे हैं, मतलब जो हमारा मिरर का सेक्शन है वो एकदम सही है। अगर आपके ये वर्क नहीं कर रहा तो हमें ये पूरा ही कंपार्टमेंट जो है चेंज कराना पड़ेगा, जो अराउंड 5 to 7,000 आएगा, आई डोंट नो। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम मिरर लगाते हैं डायरेक्ट। सो गाइस सबसे पहले मैं गया आफ्टर मार्केट मिरर के लिए। तो ये जी मिरर की टुकड़ी दिख रही है, लिटरली वो लोग यूँ ही बोलते हैं कि मिरर की टुकड़ी। तो ये मेरे को पड़ी उसने दी 120 रुपये की, और भाई मैं बहुत खुश कि चलो भाई 120 रुपये में काम हो जाएगा अपना, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट गाइस और मैं पहले बता दूँ कि यही जो बंदा मैकेनिक आपको दिख रहा है यही ये ट्राई ही करता रहेगा पूरी वीडियो में, और मेरे पास कोई वीडियो नहीं। लास्ट में जाके जो एक्चुअल शीशा लगा है उसकी एक क्लिप डाल दूँगा मैं बस। तो ये भैया जो थे ये बहुत मतलब 10-15 मिनट हो गए होंगे इनको ट्राई करते करते। और एक्चुअल में क्या था, जब मैंने लिया तो वो लोग यही कह रहे थे कि होंडा में इसका ये लग जाएगा, और मैंने वहीं से जो साइड में मैकेनिक था उसी से ही कहा कि इंस्टॉल कर दो आप, तभी मैं पेमेंट करूँगा। मतलब क्योंकि मैंने कई सारे रिव्यूज़ पढ़े थे, मैं ऑनलाइन भी चेक करने गया था इस मिरर को, तो लोग यही कह रहे थे कि नहीं वर्क करेगा, जहाँ से भी लो वहीं के वहीं हाथों के हाथों इसको डलवा लेना, इश्यूज आएंगे कुछ। तो गाइस दिक्कत क्या हो रही थी कि एक स्पूल में तो जो उसका खाँचा टाइप्स में होता है वो चला गया था, बट दूसरे स्पूल में वो नहीं जा रहा था। बट गाइस बाद में हमें पता चला जो बीच वाला सेंटर में जो एक सॉकेट टाइप है, मतलब क्या ही बोलूँगा मैं उसको, जो जगह थी माउंट था उसके अंदर वो नहीं फिक्स हो रहा था। और बाद में जब जिससे मैंने मिरर लिया उससे पूछा तो उसने कहा कि आपकी कौन सी गाड़ी है, तो मैंने बताया कि अमेज़ा पेट्रोल मॉडल। तो फिर उसने कहा कि पेट्रोल में ये नहीं करेगा, डीजल में करेगा। अब आई डोंट नो वो सही कह रहा था या क्या है। तो अगर किसी की डीजल की गाड़ी हो तो भाई कमेंट करके बताना, आई होप किसी का ना टूटे, बट फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो बताना यार एक बार। बट आई डोंट नो कि अमेज़ जो है वो डीजल और पेट्रोल में, चलो इंजन स्विच कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, बट साइड मिरर क्यों स्विच करेंगे यार। और मैंने फिर जो लास्ट में इन भैया ने बहुत ट्राई करा बट नहीं लगा, बाद में हमने मिरर को इंस्पेक्ट करा तो समझ में आया कि वहाँ पे वो माउंट ही नहीं था और कोई ऐसा एक्सटेंशन भी नहीं आता जिससे कि वो माउंट लग जाएगा। तो यहाँ पे एक बार को हमें ये लगा था कि हाँ हो गया है वो माउंट, अंदर चला ही गया दोनों। फिर उन भैया ने मेरे को कहा कि आप एक बार अंदर बैठ के ट्राई करो और उसको आगे पीछे करके देखो, तो वो आगे पीछे तो हो रहा था बट ऊपर नीचे जो है वो नहीं जा रहा था मिरर। इसका मतलब एक ही स्पूल जो था वो लगा था और दूसरा नहीं लगा था। सो फाइनली गाइज मैंने ऑनलाइन भी कई सारे अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट वगैरह पे चेक करे, बट गाइज जो मेन इशू आ रहा था कि वो लोग सिर्फ फ्रंट में फोटो डिस्प्ले कर रहे थे, बट एक्चुअल में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो रियर साइड में प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे हम लोग माउंटिंग करते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चेक करे बट एक में भी वो रियर वाली इमेज नहीं दिखा रखी थी। सो मैंने ऑनलाइन मंगवाया ही नहीं, बट मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ऑल दो वो प्रोडक्ट रिटर्नेबल थे, बट गाइज ये साइड मिरर एक ऐसी चीज़ है यार, ये कार में नहीं होता ना तो काफ़ी दिक्कत आती है ड्राइव करने में, तो इसलिए मेरे को ये काम फटाफट कराना था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करे। अगर आप में से कोई ऑर्डर करता है यार और सही निकलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो। सो गाइस फाइनली जब बिल्कुल थक हार गए हम सारे लोग, उसके बाद मैं गया एजेंसी में, मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग मंगा देंगे। एंड गाइस जो ये 120 रुपये का मिल रहा था मेरे को पार्ट बाहर से, एक्चुअल में वो लगा भी नहीं था तो कहाँ लेना था वो, तो वो मेरे को एजेंसी में अराउंड 490 रुपीज़ का मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का। बट अगर आप लोग दिल्ली के आसपास रहते हो तो ज़्यादा चांसेस है आफ्टर मार्केट ये मिरर मिल जाने के। इसलिए मैंने फिर कंपनी को कहा,
उन्होंने मेरा ऑर्डर कर दिया और फिर अराउंड 1 वीक में कॉल आ गई थी शोरूम से कि आप आ जाइए कार लेके और हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। मैं गया एंड मैंने जब वो माउंट देखा, एक्चुअली तब मैं शूट नहीं कर पाया, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ यार मैं, सॉरी फॉर दैट। तो तब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे यार, उन्होंने फटाफट ग्रीसिंग करी इसकी और फटाफट से लगा दिया और कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो अब एक बार मैं आपको आफ्टर वाली वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि होंडा की जेन्युइन पार्ट डला है तो यार बिल्कुल जैसा हमारी कार में स्टार्टिंग में आता है बिल्कुल ब्रांड न्यू वैसा ही आया है एंड कोई इशू नहीं आ रहा है अभी तक, तो ना कोई मैकेनिकल साउंड आ रही है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ से भी डलाओ भाई देखभाल के डलाना, चाहे शोरूम से डला रहे हो तो वो लोग डाल के देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग आफ्टर मार्केट या फिर ऑनलाइन डलवा रहे हो तो गाइज जहाँ से भी लो वहीं से ही डलवाओ, क्योंकि कई कई बार ये होता है कि यार किसी बंदे ने आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया और फिर उसके बाद वो लोग रिटर्न नहीं करते हैं, तो उसी को पेमेंट देने से पहले वहीं आसपास कोई मैकेनिक हो गया या फिर उसी शॉपकीपर को बोलो कि आप ही मेरे को लगा के दो, तभी यार वो लोग परचेज वहाँ से परचेज करना, वरना मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि शोरूम से जाओ। Thanks for watching this video guys, I hope you like my video. First don't forget to subscribe my channel and main aap try karunga regular video post karne ki Monday sharp 9:30 am, so stay tuned for my next video. Bye.